में टकरा गया वो वाला पार्ट, ये जो है, तो इस कारण से क्या कह रहे हैं सर? पहुंच गए हम लोग दिल्ली, लेट्स गो। जैसे ये इसमें मिरर भी लगा हुआ है, हमको पता चलते रहता है किधर से क्या आया है। भाई जी लेके आया, भाई जी चाय पिलाने। रात का कितना बज रहा है? 12:30। आइए देखिए, एक बज Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. I'm Mankini and you're watching my new vlog. तो अभी पहले जा रहे हैं साहिल के घर के पास, वहाँ से कार से जाना हम लोग को वहाँ स्टेशन, तो मतलब ड्राइवर बुला लिया शायद, उसी के साथ जाना पड़ेगा अभी हम लोगों को, तो सही भी रहेगा। और सुबह सुबह थोड़ा सा ऑटो ऑटो का सीन हो जाता है, इस कारण से भी यहाँ से मतलब ले लेगा अपना कार, तो वही सीन है अभी। तो फिलहाल तो बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे और पहुँचते पहले उसके घर पर, उसके फिर वहाँ से निकलते हैं हम लोग आगे। अभी तो समस्तीपुर रीच किए हैं, वही है, यहाँ पे एक कॉफी पिया जाए। फर्स्ट स्टॉपेज है B3। बढ़िया बढ़िया अभी देखो हम लोग पहुंच गए समस्तीपुर और आगे अभी थोड़ा सा टाइम है, उधर से आदमी उदमी भी बहुत आ रहा है, आगे घूम रहा है साहिल बाहर में। अलग अभी पहुंचे समस्तीपुर, मेन बात है ज्यादा डाल भी नहीं रह सकते। मम्मी बोलेगी बाहर आके काहे थारे। हेलो, देख रहा है सब जा रहे हैं हम लोग बाल अंदर सिवान में, कहाँ जा रहे तुम? बहुत देर से यहीं पे हम लोग। चाय बोलिए, चाय पीजिए, चाय बढ़िया चाय चाय। रात का बज रहा है 10:50 और हम लोग पहुंचे हैं आइस बाग, ठीक है, उससे पहले हैं शायद। और हुआ क्या है कि एक बोगी में टकरा गया वो वाला पार्ट, ये जो है, तो इस कारण से क्या कह रहे हैं सर? कि आगे अब बढ़वे नहीं करेगा गाड़ी जब तक नहीं आएगा मैकेनिक। ड्राइवर करा, जब तक हमको दूध पैक नहीं मिलेगा तब तक। नहीं हाँ भाई, वो भी बात है, ये भी बोल रहे हैं अंदर वाले जो भी स्टाफ वगैरह हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग अभी रुके हुए हैं क्योंकि उस वाले में टच हो गया था, ये जो पार्ट है वैसे स्टेशन पे पीछे टच हो गया, आवाज़ आया था बहुत ज़्यादा, हम लोग को नहीं पता चला क्योंकि हम लोग पीछे A2 वाले में टच हो गया था, हम लोग का B5। ओके, देखते हैं आगे का क्या सीन होता है, वैसे अभी यहीं रुकना पड़ेगा बहुत देर तक, मौसम तो हो गया है तगड़ा। आइस बैग में हम लोग तो ऐसा था लगा हुआ है अच्छा खासा, इधर से एक ट्रेन हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, नई दिल्ली वो भी जा रहा है, वो भी नई दिल्ली जा रहा है, बैठ जाना चाहिए क्या, दौड़ जाना। खाली है पूरा फर्स्ट ए सी, अब ऐसे ही घूमते फिरते रहो, अभी टाइम लगेगा ये गाड़ी स्टार्ट होने में। Yeah.
पहुंच गए हम लोग दिल्ली, लेट्स गो। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फटफट, लक्ष्मी नगर फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यहीं पे अंदर में भैया रहते हैं। तो अभी तो हम बाहर निकलने का सोच रहे हैं और अभी शाम हो गया है क्योंकि थोड़ा रात में मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, इस कारण से थोड़ा आगे सोए हैं, थोड़ा खाए हैं, फिर सोए हैं, ऐसा वाला सीन किए और अभी फाइनली उठ गए हैं। हम और भैया मिलके जा रहे हैं अभी पड़ी चौक, अभी जहाँ पे भी पड़ता होगा हमको नहीं पता है उतना, तो साहिल भी बोले वाले कि वहाँ पे सही रहता है, वहाँ पे जाके देखना। वो आज तो नहीं आया अभी तक साहिल, बट कल आएगा मे बी। और अभी थोड़ा चिन्मय और सुधांशु और ऋषभ भी मिलेगा थोड़ी देर के बाद, जब तक हम उधर से आ जाएंगे उसके बाद। तो वही अभी इधर का सोसाइटी ये रहा और यहाँ पर हम लोग हैं अभी। ये हे ऑलमोस्ट हर जगह काम चल रहा है, कर कर रहा। कैसा ग्रांड है ये रहा। और अभी सुबह में निकले थे एक बार हम लोग, यहीं पे बगल में चाय पीने के लिए निकले थे बस, और अभी अभी निकले हैं अभी थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। भैया का नया नया माइक है यहाँ पे आई तरफ ब्लू कलर का, और इसका रिव्यू भी डालेंगे थोड़ा जल्दी में, देखते हैं कल होगा तो बनाएंगे इसका रिव्यू दिन में, क्योंकि भैया तो ऑफिस चले जाएंगे तो कुछ तो करना रहेगा ना, काम तो मेरा ऐसे। तो वही और ये रहा था, पीछे भैया भी बैठे हुए हैं, वही बताएंगे कि किधर जाना है। सीधे ये सड़क पे चलाने में जो मजा है वो थोड़ी दूसरा किसी सड़क पे आएगा। सड़क ओके लेफ्ट, हम जा रहे हैं पड़ी चौक, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं मेरा पड़ी चौक। लेकिन अभी निकल रहे हैं हम लोग अल्फा 2, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन माउंट लगाना था बाइक पे, भैया का था पहले से लगा हुआ इसमें, बट लेकिन कोई चोरी कर लिया, पार्किंग में लगा हुआ था तो उस कारण से हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर हम बाइक चलाएंगे तो, इसीलिए अगर पीछे कोई ना बैठा हुआ था। किधर, सीधे ही ना चला जाए वल्पा। मतलब यहाँ तक चलाने में तो मजा आ ही रहा है क्योंकि रोड्स इतना अच्छा है और फील भी चल रहा है, मतलब फील हो रहा है, सही फील हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर इस रोड पे, तो मजा आ रहा है बस। और बाइक भी नया है तो ज्यादा मजा आ रहा है। क्या राइट हाँ, अरे नया नया रास्ता तो हो रहा था हमको, ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा पता नहीं, दिखता भी नहीं रहता है इंडिकेटर यार। ऐसा ना ब्रॉड, बहुत ज्यादा ब्रॉड है सिटी के हिसाब से रोड वगैरह, और बाद बाकी मस्त चलाने में तो मजा आ ही रहा है। भाई जी लेके आया, भाई जी चाय पीने हंसता है। अब देखते हैं दिल्ली का नाइट मूड कैसा आता है, इसमें होगा क्या एक्चुअली में, कि यहाँ पे तो ज्यादातर लाइट्स वगैरह लगा हुआ होगा, उसके लिए चेक करने में सही रहेगा। हंटर भी है, ब्लिंक वैसे नहीं करेगा, इसका नहीं करना चाहिए, आई थिंक नहीं कर रहा, परफेक्ट आएगा। चले भाई किधर, राइट हाँ, यहाँ तो लाइटिंग वगैरह पूरा एकदम जोरों शोरों से लगा हुआ है। G20 इधर ही था कि किधर था हमको नहीं पता। तो बट लेकिन लाइटिंग अच्छा है इधर का,
और मजा भी आ रहा है, पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्टर के साथ है यहाँ पे, चलाने में सही लग रहा है। और ये ट्रैफिक में चलाने का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा लगता है। किधर? सीधे। ओके अच्छा ठीक है, सीधे से ही चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक वाला माहौल में सही लगता है चलाने को। ओहो वाटर वाटर एवरीवेयर, जबरदस्ती का गाड़ी रोकते हुए। सफारी वैनिश मॉल है बगल में, बगल में ही है ऑलमोस्ट हर चीज, और अच्छा भी लगता है देखने को। सबका रील बनेगा, सबका रील बनाया जाएगा एकदम आराम से। हम सोचेंगे निकल जाएंगे पैदल, मतलब पैदल तो बहुत मुश्किल होगा, चिन्मय के साथ निकलेंगे, मस्त रील बनाएंगे। और अभी तो कल परसों का कुछ और प्लान है मेरा भैया के साथ ही, तो वो देखते हैं, जब फिक्स हो जाता है तो फिर अपन निकलेंगे कहीं, और उसके बाद फिर वापस आने के बाद फिर ये चीज़ करा जाएगा। एक बात लेकिन ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि हर जगह एकदम मस्त लाइटिंग रहता है ना, तो लाइटिंग रहता है लो, तो जहाँ पे भी लाइटिंग अच्छा रहता है वो अट्रैक्टिव दिखते रहता है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। और अभी हमको ये ऐसा हुआ कि कौन सा ये 5-star होटल रेडिशन, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी चला जाएगा कभी। अभी तो फिलहाल एक मिनट क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल चिन्मय आ गया है और इस टोपी को हटाया जाए भाई, जैसे भी बाल डोंट वरी, तो उसको आ गया है आगे, उसी के पास अभी हम जा रहे हैं, हमको देखना है, रास्ता ही नहीं दिख रहा क्या है नहीं है, तो बस आगे ही है पहुंचा हुआ, जाते हैं उससे मिलते हैं पहले। इसको तो जानवे करते हैं ही, जिसके बरियाती गए थे मामा के, ये है नीलेश, तीन बार इसको तो पता है, सबको पता है कौन है। दोबारा बोल रहे थे भोज बहुत बढ़िया था भाई, इसको बोले थे दोबारा करो, गाली मत दो भाई, येलो डॉल उड़ा देगा, इधर कैसे उड़ा देगा, यहाँ पे कहीं उड़ा देता है। रात का कितना बज रहा है? 12:30 आइए देखिए, एक 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 बज रहा है, 12:50 हो रहा है। आसुदांसु भी आ गया बहुत लेट से, कोई दिक्कत नहीं है, फॉगे फॉग फॉगी वेदर, हम लोग हमको छोड़ने जा रहा है बस घर पे रूम पे। सही से सीधा चलो ना, सीधा चलो घर जाओ ना भाई। मार देगा कहाँ जा रहा भाई? अपने रूम पे आ, ऋषभ के रूम से अपने रूम पे। ठंडी सुनसान रात, ठंडी है ना, ये रहा एक्सप्रेसवे, ये रहे हम, ये रहे हम, काफी ठंडी, इतना ठंडी 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 ठंडी। I'm too busy, I'm spending